Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. ठीक है बेटा, मैं ऐसी काफी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ. आज की वीडियो में हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा. So now we will discuss adaptations in tropical rainforest. हमने पोलर रीजन्स की कर चुके हैं, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हमने अडैप्टेशंस, हाउ एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू द टू लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, तो वो हम देखते हैं कैसे अपने आप को वो अडैप्ट करते. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता है वो इक्वेटर के आसपास होता है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, और यू कैन से 23 एंड एग्जैक्टली यू कैन से 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, वहाँ तक जो है वो इक्वेटर के आसपास वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन आता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में वहाँ पे बारिश, धूप अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, तो इसके कारण क्या है, वहाँ पे वेजिटेशन फूड बहुत ज़्यादा होता है. जब वहाँ पे वेजिटेशन फूड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इट सपोर्ट्स लार्ज वैरायटी ऑफ लाइफ, मींस ज़्यादा लाइफ को एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स को वो सपोर्ट करती है, क्यों हर टाइप के एनिमल को अपना खाना वहाँ पे इजीली मिल जाता है. तो ये इनके एनिमल्स के अडाप्टिव फीचर्स क्या हैं वहाँ पे रहने के, वो बेसिकली एक तो सेंसिटिव हियरिंग, मींस छोटी से छोटी लाइक पिन भी ड्रॉप करते हैं हम, मैं एग्जांपल देख रही हूँ आपको, एक पिन ड्रॉप करते हैं तो हमारे को आवाज सुनाई देती है, वैसे शार्प उनकी हियरिंग होती है. कि हल्की सी अगर ग्रास में हल्की सी भी आवाज आ रही है तो उनको पता चल जाता है एनिमल्स को यहाँ पे कोई है. तो दे हैव शार्प आई साइट, उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा शार्प होती है, सो डैट ये जो एनिमल्स हैं वहाँ पे प्रे एंड प्रीडेटर्स की गेम चलती है. प्रे अपने प्रीडेटर से बचता है, प्रीडेटर अपने प्रे को देखता है. ठीक है ना, वो सारे इस ये गेम ये इसी तरह चलने के लिए अगर उनकी शार्प आईसाइट होगी तभी एनिमल्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आपके एनिमल्स हैं ये डियर एंड योर लायन, डियर इज प्रे एंड लायन इज प्रीडेटर. अगर लायन की आपकी शार्प आईसाइट होगी, उसकी सेंसिटिव हियरिंग होगी, तभी वो अपने उसको देख पाएगा प्रीडेटर को, प्रे को, और डियर ऑन द अदर हैंड वो प्रे है, तो प्रे की उसकी भी आंखें जो हैं वो शार्प आईसाइट होगी, ताकि उसको हर मोमेंट का पता रहे कि कहाँ से उसके ऊपर अटैक हो सकता है. उसके ईयर्स जो है इतने सेंसिटिव हियरिंग होती है कि उसको पता चल जाता है हल्की सी भी हलचल होती है, सो डैट वो अपने प्रीडेटर से बच सके, उसके अटैक से बच सके. और ये एनिमल्स की थिक स्किन होती है. थिक स्किन किस लिए होती है इन एनिमल्स की, क्योंकि अगर इन एनिमल्स की थिन स्किन होगी, एक तो आपको पता है ट्रॉपिकल एरियाज में धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी होने के कारण एक तो थिक स्किन होती है, तो उनकी हीट से उनको बचे रहते हैं वो. दूसरा कि अगर जो एनिमल्स हैं जो उनको वो अपने प्रीडेटर से उनका बचाव होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं फिर आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे लायन अपना बफलो के ऊपर अटैक कर रही है, तो बफलो की स्किन आपने देखी कितनी मोटी होती है. सो अगर उनकी स्किन थिन होगी तो जब आपका लायन उसके ऊपर अटैक करेगा अपने पॉस के साथ, क्लॉस के साथ जब वो अटैक करेगा, तो उसके शार्प नेल्स के साथ वो उसकी स्किन अगर उसकी थिन होगी तो वो आराम से स्क्रैच हो जाएगी एंड द बफलो विल डाई. बट वो उसको एक अडाप्टिव फीचर उसका ऐसा मिला हुआ है कि उसकी जो स्किन है वो थिक होती है, सो डैट वो इजीली अपने उसके प्रीडेटर के अटैक से वो ज़्यादा उसको हार्म ना पहुंचे, वो बच सके. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंडिया में रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वो वेस्टर्न घाट्स पे जो पाए जाते हैं, और असम में, असम में ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है और वेस्टर्न घाट्स पे. अब आप बोलोगे कि मैम वेस्टर्न घाट्स कहाँ हैं, मैं आपको बताती हूँ, जो अरेबियन सी के साथ आपका मुंबई कोच पड़ता है, मुंबई कोच वाली जगह से आप 30 किलोमीटर अंदर जाओगे, इंटीरियर
30 किलोमीटर अंदर वाले इनलैंड एरिया वाली जगह जाओगे तो 30 किलोमीटर से 80-100 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है वो पूरी जगह पे, दैट इज योर वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो अगर आपको कोई वेस्टर्न घाट पूछे तो आपको पता चल गया अरेबियन सी के साथ जो मुंबई कोस्ट वाला पूरी जगह है वो 30 किलोमीटर इंटीरियर में जाओ तो इट विल एक्सटेंड फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 80-100। किसी जगह पे 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगी, कहीं पे वो 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगी। ओके बेटा, चलो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं लायन की, कि लायन ने कैसे अपने आप को वहाँ पे अडैप्ट किया वहाँ की वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। एक तो लायन का कलर जो है, कलर ऑफ लायन हेल्प्स इट इन ब्लेंडिंग इट विद इट्स बैकग्राउंड। वो लायन का कलर ब्राउनिश होता है तो वो आराम से बाहर की अपनी बैकग्राउंड में इजीली वो उसका कलर ब्लेंड हो जाता है, तो उसके जो वो तो प्रेडेटर का काम करता है तो प्रे को पता नहीं चलता कि वहाँ पे लायन, वहाँ पे उसका प्रे है, उसको हार्म पहुँचा सकता है। ठीक है, दूसरा है इट हैज़ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड शार्प नाइट विजन। जो लायन है इसकी स्मेल, जो इसकी स्मेल की पावर है वो बहुत शार्प है, उसको बहुत मतलब हल्की सी भी स्मेल उसको बहुत जल्दी आ जाती है। वो आपका जो है नॉन वेज उसने खाना ही फ्लैश है, फ्लैश खाता है तो उसको अपने प्रेस की स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है कि वहाँ पे उसको उसका खाना मिल रहा है। और दूसरी उसकी विजन आई सेट बहुत शार्प होती है तो उसको दूर से पता चल जाता है वहाँ पे उसका प्रे है तो वो इजीली अटैक कर सकता है। दूसरा क्या है, एक इसमें एक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये जो लायन जो है आपका कैट फैमिली को बिलोंग करता है तो ये जब चलते हैं तो इसकी आवाज नहीं आती, पता नहीं चलता। ठीक है, सो ये जो इनकी हैबिट्स है, ये जो जिससे जो इनकी अडाप्टेशन है ये इनको हेल्प करती हैं ताकि वो अपने प्रे को आराम से पकड़ सकें, कैच कर सकें टू सेटिस्फाई देयर हंगर। ठीक है, तो ये था है हमारा लायन का। चलते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग आपने देखा है, फ्रॉग जो होता है वो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है, वो दो दो जगह पे रहता है। तो फ्रॉग का कलर कौन सा होता है, ग्रीनिश कलर का होता है। वो ग्रीनिश कलर का क्यों होता है, ताकि वो कैम्फोलेज आराम से कर सके, आराम से वो अगर आप देखो ग्रास में वो छुप जाता है आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे फ्रॉग भी है, क्योंकि ग्रीन कलर का आराम से छुप जाता है। अगर आप देखो अब जो फ्रॉग है वो मॉस्किटो उसको खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, तो वो जब वो उनके ऊपर अटैक करता है तो उसकी टंग वो निकालता है, उसकी बहुत लंबी सी टंग होती है, जो उसकी टंग है वो स्टिकी होती है सो डैट वो अपने प्रे को आराम से कैच कर सके। लंबी होती है और स्टिकी होती है तो उसके कारण वो प्रे आराम से उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊंगी, जो फ्रॉग में ये स्पेशलिटी है, ये कई बार आपको पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है, जब फ्रॉग छोटा होता है जिसको आप टेडपोल बोलते हो, बेबी फ्रॉग को हम क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं, तो जब वो छोटा होता है तो उसकी गिल्स होती हैं, उसके अंदर गिल्स होते हैं सो डैट वो पानी में सर्वाइव कर सके, वो ब्रीथ कर सके। और जैसे वो बड़ा होता है तो वो उसकी लंग्स में लंग्स भी हो जाते हैं सो डैट वो लैंड पे भी सर्वाइव कर सके। सो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिसकी बोथ लंग्स भी हैं और गिल्स भी हैं सो डैट इजीली इट कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज इन लैंड। लैंड और वाटर में रहने के लिए यही है ना, लैंड पे रहने के लिए लंग्स होंगी और वाटर में रहने के लिए गिल्स होंगे। ठीक है, तो उसकी वो दोनों चीज़ें होती हैं। आगे है जो ट्री फ्रॉग है, एक केस की स्पेशलिटी स्पेशल तरह का फ्रॉग होता है ट्री फ्रॉग। उसके जो है जो पैड्स होते हैं ना, स्टिकी पैड्स होते हैं क्लॉज में, पैरों में उसके क्लॉज में स्टिकी पैड्स होते हैं। वो स्टिकी पैड्स क्यों होते हैं, वो बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि वो आराम से पेड़ों के ऊपर चढ़ सके। पेड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए अगर उसके पैरों के बीच में क्लॉज के बीच में स्टिकनेस कुछ होगी तभी वो स्टिकली आराम से उनको ऊपर वो मतलब बिना नीचे गिरे और आराम से उसको क्लाइम कर सकेगा ट्री को और उसको होल्ड कर सकेगा। ठीक है, सो ये ऐसे आपके फ्रॉग्स ने अडाप्टेशंस अपने आप को उस क्लाइमेट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में रहने के लिए अपने आप को अडाप्ट किया। सो
नाउ कम्स मंकीज। मंकीज क्या है? मंकीज जो है ये आपके रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये जो रेन फॉरेस्ट में मंकीज रहते हैं इनकी अपनी इनके पाम्स होते हैं, सोल्स होते हैं, ताकि वो इजीली आपके ट्रीज पे क्लाइम कर जाएं और वो आराम से स्विंग, आपने देखा होगा ना जो मंकीज होते हैं वो आराम से लटक जाते हैं ट्रीज के ऊपर, क्लाइम कर लेते हैं। सो वो उनकी पाम्स और सोल्स ऐसी होती हैं, और उनकी जो मंकीज की टेल होती है लंबी, और वो जो टेल होती है वो उनको यूज़ करते हैं ताकि वो आराम से ट्रीज के ऊपर हैंग हो सके, लटक सके। ठीक है, दे कैन क्लाइम टू द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री विच हेल्प्स देम इन सेंसिंग द डेंजर। जब उनको लगता है कि उनको कोई डेंजर आ रहा है, खतरा कहीं से आ रहा है, तो वो टॉप मोस्ट ब्रांच पे, ट्री जितना मर्जी ऊंचा ट्री हो उसके टॉप मोस्ट ब्रांच पे जाके वो क्लाइम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो ये ऐसे ये मंकीज। नाउ कम्स टोकन। टोकन क्या है? इनके जो टोकन है, दे हैव क्लॉज ऑन ईच लेग टू हेल्प इट स्टैंड ऑन ट्रीज। इनके क्लॉज हर लेग, दोनों लेग्स के ऊपर क्लॉज होते हैं ताकि वो ट्रीज के ऊपर खड़े हो सके। इनकी लंबी बीक होती है, एज आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इनकी बीक जो है वो बहुत लंबी होती है, ताकि वो अपने फ्रूट्स को जो उन्होंने खाना है वो आराम से वो वहाँ से ले सके। और इनका जो कलर है फैदर्स का, वो इनको कैम्फोलेज करने में हेल्प करता है। राइट, नेक्स्ट कम्स लॉन्ग टेल्ड मैक्यू। लॉन्ग टेल्ड मैक्यू भी ये आपके मंकीज ही होते हैं। ये आपके ज्यादा कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पे आपको मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कहाँ आपके पाए जाते हैं, वो अरेबियन सी के साथ बॉम्बे के मुंबई कोस्ट के बिल्कुल 30 किलोमीटर्स अंदर इंटीरियर साइड जाओ, 30-80 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स के बीच में वो रहते हैं, और वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनको बियर्ड एप भी बोलते हैं। और इनका जो वाइट कलर मेन सराउंड्स द हेड, जो हेड के आसपास वाइट कलर के होता है, फ्रॉम चीक्स टू चिन, चीक से चिन तक वाइट कलर का होता है। और ये बहुत अच्छे पेड़ों के ऊपर बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं, किसी भी लीफ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये नॉर्मली इनकी क्या, ये खाते पीते क्या हैं? ये फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं और बर्ड्स खाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे लॉन्ग टेल मैक्यू के हैं। इसके बाद में आता है हमारी एलिफेंट की बारी। एलिफेंट्स आप लोगों ने सबने देखे हैं, ये एलिफेंट्स हमारे घरों के बाहर भी आते हैं, तो आप देखते हो बहुत बिग एंड जाइंट एनिमल है। एनिमल की बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल है, जिसके कारण वो एलिफेंट्स अपना फूड बड़े आराम से खा सकते हैं, ढूंढ लेते हैं खाने के लिए। आपको मैं बता दूं कि जो एलिफेंट्स का जो फेवरेट फूड है वो शुगर केन है। ठीक है, एलिफेंट्स की जो ट्रंक है उसकी, उसमें पावरफुल बहुत मसल्स बहुत पावरफुल होते हैं, ताकि वो ट्रीज को भी, आप देखो ना बड़े बड़े भारी भारी ट्रीज को बड़े आराम से वो जड़ से उठा लेते हैं, अप्रूट कर देते हैं, तो वो उनकी ट्रंक इतनी पावरफुल है, तो जिससे वो इजीली कर पाते हैं। इनकी सुनने की शक्ति, हियरिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ताकि उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे हमारा खतरा आ रहा है, तो वो उस साइड से बचे रहें। और इनके आप देखो एलिफेंट्स के ईयर्स बहुत बड़े होते हैं, एलिफेंट्स के ईयर्स इतने बड़े होते हैं उससे वो अपने आप को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ठंडा रखने के लिए उनको हेल्प करता है ये जो इनके लॉन्ग ईयर्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एलिफेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।